स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया में साहिबा के ऊपर जैसे कोई ग्रहण लगा हुआ है। अंगद फिर से साहिबा को मनाने जब कमरे में जाता है तो कुछ ऐसा देखता है जो वो देखता ही रह जाता है। साहिबा का सर एक टेबल पर होता है और वो कुछ नहीं कह रही होती। अंगद साहिबा से कहता भी है, साहिबा प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ, तुम जानती हो कि माँ कैसी बातें करती हैं, उनकी बात को कभी सीरियसली मत लिया करो। तुम जानती हो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, तो फिर परेशान क्यों होना। अंगद बस अपनी बात रखता चला जाता है। वो देखता है कि साहिबा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, तब उसे थोड़ी चिंता होती है। अंगद अचानक से फिर साहिबा को उठाने की कोशिश करता है और उसके बाद जो वो देखता है वो देखता ही रह जाता है। अंगद देखता है कि साहिबा वहाँ पड़ी होती है। वो उसे जैसे ही उठाता है तो देखता है वहाँ पर एक कैंची होती है और साहिबा खून से लथपथ होती है। अंगद को समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया, कैंची का प्रयोग इस चीज़ के लिए कैसे किया गया। अंगद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल साहिबा जब से घर आई है वो घर का वातावरण को देखकर बहुत परेशान है। वो देख रही है कि किस तरह सीरत अंगद के पीछे पड़ी हुई है और वहीं दूसरी तरफ मनवीर भी अब सीरत की तरफ हो चुकी है। मनवीर भी चाहती है कि सीरत और अंगद का ब्याह हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों ने आए दिन साहिबा को परेशान कर रखा है। अंगद देखता है तो वहाँ एक कैंची होती है। अंगद को समझ नहीं आता कि साहिबा ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया है, क्या साहिबा इतनी कमज़ोर है। साथ ही अंगद ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और अंगद को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कहती है कि हम आपको अरेस्ट करते हैं अपनी बीवी को मारने के जुर्म में, आप हमें डेड बॉडी के साथ ही मिले हैं, इसका मतलब खून आपने ही किया है। अंगद बार बार अपनी सफाई देने लगता है लेकिन पुलिस एक नहीं सुनती। पुलिस कहती है हमने आपको डेड बॉडी के साथ पकड़ा है, इसका मतलब हम गलत हो ही नहीं सकते, यू आर अंडर अरेस्ट। अब देखना होगा कि क्या अंगद के साथ सच में ये सब हुआ है या फिर ये एक ड्रीम सीक्वेंस है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा।